शनिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने 5 वर्षों में गुजरात के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर वे दोबारा सरकार बनाते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए के बजट से 20,000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। 3 सिविल मेडिसिटी, 2 एम्स के स्तर के संस्थान स्थापित करने और मौजूदा अस्पतालों CHC और PHC के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का महाराजा श्री भगवंत सिंह जी स्वास्थ्य कोष बनाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा के राज्य अध्यक्ष CR पाटिल भी उपस्थित थे। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है और आज 26 नवंबर है जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात, और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले। और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। इसलिए गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम आपके सामने 3 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेडूत मंडी, मॉडर्न APMC, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प लेकर के। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।